चलिए हम बात कर रहे थे फ्यूचर प्लानिंग की, तो सबसे पहले एक नाम आया था ब्लॉकचेन। क्या तो ब्लॉकचेन है क्या, हमें जानना पड़ेगा ब्लॉकचेन है क्या। ब्लॉकचेन एक ऐसा समूह है जो आपका डाटा होता है उसे कोई हैक नहीं कर पाता। आपने सुना होगा ब्लॉकचेन, उसका डाटा एक जगह नहीं होता, बहुत सारा सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन उसके ब्लॉक बनते हैं। जो आपका डाटा गया वो बहुत सारी जगह ब्लॉक यानी कि एक खन्ने में सेव हो जाता है, जिसे कोई हैकर हैक नहीं कर पाता है, और जिसे हमारी गवर्नमेंट भी बहुत बढ़ावा दे रही है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी ब्लॉकचेन को बहुत बढ़ावा दे रही है। एक वीडियो है नरेंद्र मोदी जी की, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की एक वीडियो है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, प्लीज़ अगर पॉसिबल हो चला सकते हैं, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी के साथ में चलना पड़ेगा। आने वाला ट्रेंड फुली टेक्नोलॉजी का है, जो इंसान टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेगा वो पीछे रह जाएगा, क्योंकि वो ट्रेंड जा चुका है। जब हम एक पीठ पे बैग लाद के ना प्रोडक्ट बेच के फिरते थे, मेहनत करके लाते थे, वो हमारे बच्चों के बस की नहीं है मेरे दोस्त। हमारे बच्चों के बस की नहीं है कि हाँ 5 किलो का बैग लाद के और घर घर जाके प्रोडक्ट बेचें, या एक इंसान पूरी 24 घंटे 12 घंटे बॉस की सुनता रहे, या एक खेत में पूरा पूरा काम करता रहे। आजकल खेती भी एडवांस टेक्नोलॉजी से होगी, ये ब्लॉकचेन इसमें भी सहायक बनेगी। जानना चाहेंगे प्लीज वीडियो वॉच। कृषि छात्र से कृषि वैज्ञानिक बनते हुए वैल्यू एडिशन करते हुए आप अपने स्तर पर कृषि क्रांति का नेतृत्व कर सकते हैं। जैसे एक महत्वपूर्ण विषय है एग्रीकल्चर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आने वाले समय में खेती के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला है। देश के कुछ हिस्सों में सीमित स्तर पर किसान इसका इस्तेमाल कर भी रहे हैं, जैसे बुआई और पेस्ट कंट्रोल के लिए ड्रोन जैसी तकनीक का इस्तेमाल आज अब धीरे धीरे शुरू हुआ है। इसके अलावा सॉइल मैपिंग और कम्युनिटी प्राइसिंग में भी टेक्नोलॉजी काम कर रही है। इसके अलावा आने वाले दिनों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी बड़ा अहम रोल रहने का। इस तकनीक से सप्लाई चेन की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो पाएगी, इससे हमें खेती में होने वाले लेन देन में पारदर्शिता आएगी। सबसे बड़ी बात, बिचौलियों की बदमाशी पर भी लगाम लगेगी और उपज की बर्बादी भी लगाम लगेगी। साथियों, ये भी हम सभी को भली भांति पता है कि किसान की लागत बढ़ने की एक वजह खराब क्वालिटी के बीज, फर्टिलाइजर और दवाइयां भी होती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से इस समस्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इस तकनीक के माध्यम से प्रोडक्शन की प्रक्रिया से लेकर किसानों तक पहुंचने तक किसी भी चरण पर प्रोडक्ट की जांच आसानी से की जा सकती है। एक पूरा नेटवर्क होगा जिसमें किसान, प्रोसेसिंग यूनिट्स, वितरक, रेगुलेटरी अथॉरिटीज और उपभोक्ता की एक चेन होगी। इन सभी के बीच नियम और शर्तों के आधार पर बनाए गए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर यह तकनीक विकसित की जा सकती है। इस पूरी चेन से जुड़ा व्यक्ति क्योंकि इस पर नजर रख सकता है, लिहाजा इसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी कम रहेगी। हेलो, एक छोटी सी झलक थी, थैंक यू, एक छोटी सी झलक थी कि जो आने वाले हमारे एडवांस प्रोडक्ट है, जो आने वाले हमारे प्रोजेक्ट हैं ब्लॉकचेन पे है, यानी कि सेफ एंड सिक्योर है। क्या है? सेफ एंड सिक्योर है, और आने वाला फ्यूचर है हमारे बच्चों का। प्लीज बैठ जाइए, थैंक यू। जानना चाहते हैं पक्का? ऐसी ऐसे नहीं यार, करोड़ों अरब रुपए कमाने वाले हो इस प्रोजेक्ट से आप, तो क्या ऐसी ऐसे ही है? जानना चाहते हैं? यस नो? यस नो? तो हमारी ब्लॉकचेन पे बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जैसे कि आपका सबसे पहले एडीएफ कॉइन। हेलो, सबसे पहले आपका एक एडीएफ कॉइन, आपका वॉलेट एंड आपकी ब्लॉकचेन पे आपके अन्य बहुत तरह के मेंटलिटी माइंड गेम एंड इन वर्ड में
बहुत सारे रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट एंड इस क्रिप्टो इंडस्ट्री दुनिया में हम वो चीज लेके आने वाले हैं जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करती है। क्या जानना चाहेंगे? इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में हम एडीएम यूपीआई और एडीएम कार्ड लगा रहे हैं। आपके पास वॉलेट में क्रिप्टो हो, कार्ड सिर्फ करो, इनवर कहीं भी कहीं पैसा एक्सचेंज नहीं जा सकता, नहीं है कुछ नहीं है यार। अच्छा किसे किसे खुशी है? अरे आपका पैसा आपके कार्ड में ऐसा होगा जैसा आपके बैंक में एटीएम कार्ड में होता है, जब चाहो जब स्विफ्ट, जब चाहो जब यूपीआई। अच्छा रहेगा। उसके साथ हम एक एडवांस वर्जन के साथ एक बहुत ही बेहतरीन बाइनेंस एक्सचेंजर को भी टक्कर देंगे। ऊपर आने वाला एडवांस टेक्नोलॉजी में एक एक्सचेंजर निकाल रहे हैं मेरे दोस्त। ये एक्सचेंजर ऐसा होगा उस पर ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मपिता परमेश्वर की कृपा से जितने भी एक्सचेंजर चले हुए हैं सबसे एडवांस है। कैसे? जितने भी एक्सचेंजर में जो जो कमियां थी उन कमियों को दूर करके प्लस प्लस पॉइंट लेके इसे हम बना रहे हैं। और हमारी टीम का यह वादा है कि पूरी दुनिया के अंदर आज तक कोई ऐसा एक्सचेंजर नहीं बना जो आप लोगों का होने वाला है। और उससे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले हम वॉलेट और कॉइन लेकर आ रहे हैं जो कि बहुत जल्द आप सभी के सामने होगा और मैं उसकी डेट घोषणा करना चाहता हूं। आप भी चाहते हैं? पक्का? 3 दिसंबर 2024। हेलो, उस श्री बांके बिहारी जी के चरणों में ऐसे पड़े हैं, ऐसे पड़े हैं। प्लान होता है हमारा 2025-26 का और एक दो साल पहले खींच लेते हैं। क्या करेगा तू जाकर के पहले ला? क्या करेगा तू जाकर के पहले ला? तूने कमिटमेंट किया है पागल, देख तो लेता कर तूने दिया पूरा मैं करूं। ये है मेरी बिहारी जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो कॉइन आएगा उसका सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमारे एयरफील्ड के बंदों को मिलेगा। हेलो, जो व्यक्ति के एडीएफ वॉलेट में जो टीआरएक्स होते हैं उससे जो हमारा कोई एक्सचेंज करेगा तो उस पर ब्रह्म परमात्मा परमपिता परमेश्वर की कृपा से बहुत अच्छे डिस्काउंट के तौर पे वो उस कॉइन को पाएगा। उससे नेक्स्ट स्टेप क्या है कि दुनिया के कोई लॉन्च होते हैं दो दो साल हो जाते हैं, तीन तीन साल हो जाते हैं, रेट डम होते रहते हैं, रेट नहीं बढ़ पाते, होता है ना? क्यों? उसका रीजन होता है कि कहीं उसका यूटिलाइज नहीं होता, कहीं उसे यूज नहीं किया जाता। लेकिन हम अपने जितने भी बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं जो पूरी दुनिया के अंदर सभी सदस्यों की और हमारी और आपकी नीड है और वे सारे प्रोजेक्ट हमारे कोइन से चलेंगे, पैसा नहीं चलेगा भाई। जब कोई यूज होगा तो डिमांड बढ़ेगी, ऐसे ना हो, और जब डिमांड बढ़ेगी तो पैसा आप लोगों का बढ़ेगा, ऐसे ना हो। और जब बीटीसी कभी इसने 100 रुपया खरीदा था या 1000 खरीदा था 18 लाख का बेका, और जो आज एटीएफ कोइन को इंसान कम रेट में खरीदेगा तो क्या वो अरबपति बनेगा या नहीं? आप बनना चाहते हो? पक्का बनना चाहते हो? यस या नो? एंड एक आप सभी के लिए बहुत बड़ी धमाकेदार एक न्यूज, जितने भी प्रोजेक्ट होंगे आप सभी को उसमें काम करने का और पैसा कमाने का मौका मिलेगा मेरे दोस्त। एंड एक इनकम देने वाली सिस्टम नहीं है, मैं पहले ही बोला था ये सोच है, सोच और सोच
जब वहां तक पहुंची, वहां तक पहुंचे फिर आगे पहुंची, वहां तक पहुंचे फिर आगे पहुंची, कभी कभी सोच खत्म नहीं होती। ऐसे ही एडविल आपको तरह तरह की इनकम देने वाला, बंद करने वाला नहीं है। अब वहां पहुंचो उससे आगे लो, अब वहां पहुंचो उससे आगे लो, अब वहां पहुंचो उससे आगे लो। मेरे दोस्त पैसा इतना आएगा आपके खर्च कहा दोस्त।